यार जहाँ बताएं कि ये फिजा है या और ये शिज़ा है या ये शिज़ा है, है वो फिजा है यार ये कन्फ्यूजन तो हमारे सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और हैरत की बात ये है कि जिस ड्रामे की बेस पे उन्होंने ये निकाला है फिजा और शिजा मतलब इट्स शोज़ यू कि हमारा जो राइटिंग की जो सता है ना वो कितनी गिर चुकी है यानी कि हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो आई मीन कम ऑन थिंक अबाउट इट रियलिस्टिकली इट्स इम्पॉसिबल राइट दो लड़कियां हैं जो कि ट्विंस हैं उनकी दो लड़कों से शादी हो रही है और सुबह आज कल के यानी दो में जब भी ये ड्रामा आया था यानी उनको पता ही नहीं उनका शोर कौन है ऐसे कभी हुआ जिंदगी में खानदान वालों ने किसी ने बताया कि ये आपका शोर है यानी लड़कियों को भी नहीं पता घर वालों को भी नहीं पता मतलब कहा भी हो गया निकाह भी हो गया शरीफ खानदान बहुत ज्यादा शरीफ है इस्लामिस्ट इस्लाम भी ये नहीं कहते है। हैं है मुलाकात जाएगी हाँ। है। है। महरम की मौजूदगी में लेकिन सुफान अल्लाह

Is this real? Yes. Ah. हाँ Inna Lilla. Okay. <laughs> Very nice. Well, definitely, इसमें इनका बात करना मुमकिन भी नहीं होगा। हाँ, नहीं मैं बात कर सकती हूँ। oh. अरे, ये morning show तो है मेरे ख्याल से। ये क्या तमाशा यार मतलब? ये तेरा पुराना वीडियो है या नया है ये है 2018 का वीडियो 2018 का है लेकिन यार हैरत की बात है कि मतलब कैसे आप ये लाइव टीवी पे कैसे दिखा सकते हैं मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट फिटनेस बट आई मीन ये सही बात है वैसे यार इंतहा

और सीरियसली आया कभी किसी ने फिटनेस ऐसे की है जनरल स्पीकिंग मैं बल्कि तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे फिटनेस कौन करता है मैं चैलेंज करता हूँ आप पूरे पाकिस्तान में ये फिटनेस का लेवल दिखाएं ये कहाँ पे हो रहा है इस तरह आ, से कौन सा जिम है जहाँ पे ये वर्कआउट टेक्निक सिखाई जाती है नहीं the, क्या uh, कोई द थिंग इज दैट कोई अपने अगर, अगर अपने घरानों की बात करें तो mm. कोई uh, बाप अपनी बेटी को ऐसे यानी भेजना चाहेगा कि ठीक है जी सबके सामने अपने जो है इस तरह करके दिखाएं व्हाट आर द यू नो हाउ कैन अ पर्सन ट्रेन हिमसेल्फ और ये वो आई मीन दिस इज अच्छा मैं वही बात है ना कि आप हमारा दीन तो मैं कहता है फिटनेस होनी चाहिए मर्दों की भी होनी चाहिए औरतों की भी होनी चाहिए और हमारे ने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है इवन खवन के बारे में ने बहुत लिखा है कि जो लोग खुवान जो घर में जिन जो इवन हाउस वाइफ भी होती हैं उनको भी चाहिए यानी कि वो एक्सरसाइज किया करें बाद में तो ये लिखा कि अगर और कुछ ना हो तो वो सीढ़िया ऊपर नीचे जरूर चढ़ा करें ताकि वो ना फिजिकली फिट रहें तो फिटनेस के हम लिए वैसे भी फिटनेस से फायदा ही होगा कि आपके हर लेवल पर आपको फर्क पड़ता है आपकी इबादत में फर्क पड़ता है आपके काम में फर्क पड़ता है आप सोशली एक्टिव रहते हैं right. दूसरों का काम आ सकते हैं mm. लेकिन ये जो पब्लिकली आप इस तरह से दिखाएंगे सब मर्द और औरत और यहाँ पे आप सहाबा भी रेसल करते थे mm. हम देखते हैं कि जो जित्सु है या रेसलिंग है या टॉकॉन्डो है जिसमें mm. रेसलिंग चल रही होती mm. है सहाबा भी करते थे यहाँ पे दो बॉयज हो सकते थे यार mm. जो कि एहतियात कोई ना कोई टेक्निक्स आपने दिखाने के दिस इज हाउ यू रिमेन फिटनेस या इस तरह की कुछ तरीके हैं। हाँ। ये, ये, ये हैं आप कर सकते हैं लेकिन, there, there है ये तो असल में जिस जमाने में स्टार्ट हुए थे ना उसके हाँ। बाद से ये मुस्तकिल डिटेर कर रहे हैं हाँ। मेहंदी के फंक्शन उसमें दिखा रहे होते हैं नाच गाना दिखा रहे होते हैं हाँ। असल में जो मॉर्निंग शोज की ऑडियंस है ना वो अगर आप इनके डेमोग्राफिक्स देखें तो वो है

है है भी भी आ आ तो तो मे जिसमें yes. hmm. जिस आप टीच कर सकते हैं एक्सरसाइज और इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की लेकिन ये एक्सरसाइज टीच नहीं की जा रही था ये कुछ और टीचर कुछ नॉर्मलाइज किया जा रहा है और आपको पता है कि जो मीडिया ना आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये आपके लिए सबसे बड़ा आज सबसे बड़ा टूल है एजुकेशन का या माइंड को uh, किसी आइडिया के ऊपर कंफर्म कराने के लिए actual सब ब्रेन वाशिंग एक्चुअल ब्रेन वॉशिंग वो जितनी पावरफुल मीडिया से हो सकती है और किसी मीडियम से नहीं है नहीं। तो अब आपको टीवी के ऊपर अगर कोई चीज़ आ रही है इसका मतलब है वो चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर खातन देखेंगी ज़्यादातर खवतानी देखेंगी उनके लिए बताया जा रहा है कि अगर ये लिबास या ये तरीका कार या लड़कों के साथ इस तरह से मिक्स करना अगर आपकी बच्ची भी कर लेती है तो ये तो नॉर्मल सी बात है तो हमारे टी वी भी हो रहा है हर जगह पर हो रहा है ड्रामों में हो रहा है फिल्मों में हो रहा है सो ये जो मेल फीमेल इंट्रैक्शन की जो लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं ये इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है hmm. कि दिस इज वेरी नॉर्मल अगर आपकी बच्ची भी ऐसा करना चाहती है अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है तो आप वो अपनी दक्यानूसी सोच ना रखें आप अपने आप को ब्रॉड माइंडेड करें hmm. और आप भी इंकरेज करें अगर आपकी बच्ची इस तरह से किसी ट्रेनर के साथ ट्रेन करना चाहती है या इस तरह से फिजिकली इन्वॉल्व हो रही है तो अच्छा, इसके जवाब में जैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि आप असल में जी हर चीज को ना इस्लाम की लेंस से देखते हैं ठीक है इसलिए आपको हर चीज बुरी लगती है अच्छा इसके बारे में क्या मैं किस लेंस से देखूँ <ISTuktav Nicholka> मैं मैं मतलब अंग्रेजों के लेंस से देखूं मैं मतलब अंग्रेजों की ला दूं मैं तो अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं तो अपने आप को नबी का उम्मीद आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वसल्लम का मैं तो अपने आप को अल्लाह ताला का इबादत करने वाला आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो मैं इस्लामिक लेंस से देखूंगा ना अगर मुझे अगर मैं अपने आप को गोरा कहता मैं कहता जी मैं मुसलमान नहीं हूं तो हमें ही ना फिर मैं नॉन मुस्लिम लेंस से देखता हर चीज को तो मेरा मेरा लेंस नॉन मुस्लिम है ही नहीं मेरा लेंस है ही इस्लाम का यानी इस्लाम इज नॉट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी इस्लाम इज माई पर्सनैलिटी मेरी पूरी जिंदगी जो है ना वो इस्लाम के अम्ब्रैला के अंडर आती हैलिटी पार्ट ऑफ़ इस्लाम येस इट्स नॉट तो मैं देखता हूँ कि मेरी इंटरटेनमेंट भी इस्लाम के मुताबिक होनी mm. चाहिए मेरी हैप्पीनेस के ज़राए जो है वो भी इसके मुताबिक है जो कुछ मैं खाता हूँ वो भी वो होगा जो इस्लाम में जायज़ है जो मैं पीता हूँ वो भी वो होगा जो इस्लाम में जायज़ है वगैरह 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 mm. मेरा बिजनेस करना मेरा फाइनेस में आना मेरा ट्रेड करना यह सारा के सारा इस्लाम के अम्ब्रैला में हत्या कि मेरा टी वी देखना भी इस्लाम के अंडर है कि मैं वो चीज देखूं जो कल को मेरे लिए नदामत का बायस ना बने मैं वो कॉन्टेंट देखूं तो इसलिए ये जो कहते हैं इस्लामिक लेंस लेंस से क्यों देखते हैं तो मेरे पास वो है ही कोई बिकॉज गाइस दे डोंट टॉक इन अ स्ट्रेट मैनर यू नो ये चीज अंडर द रेडार चली जाती है हमेशा इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं की जाएगी कि यार हम मुसलमान हैं हमें हमारे कुछ अपने सेट प्रिंसिपल्स हैं हमारे अपने मॉरल एंकर you know? मतलब जो कि डिवाइन रिवील्ड है इसके बारे में बात नहीं की जाएगी इसका मतलब ये है कि यानी हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं कि शौरी तौर पे या लाशोरी तौर पे वो समझते हैं कि इस्लाम हर चीज इस्लाम को आप मुकदम ना करें कि कोई चीज ऐसे हैं इस्लाम को साइड पे करें कुछ कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं आप उनको अगर, आ, अगर you know? जो चल रही है तो लेट जिसमे like एक ट्रेनर आई है और वो ट्रेनर आके ऑडियंस उन्होंने खात को बुलाया

छोटे कपड़े पहन के आना ठीक है है लेकिन exercise करते हुए आपको पता कि आप अपनी बॉडी आपकी चेंज होती है और आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक्सपोज होते हो तो वो एग्जैक्टली exactly चीज हो रही है यहाँ पे हम हुँ, तो, हुँ, तो हुँ, बात करते रहे हैं इससे पहले कि नॉर्मल आप किस हद तक कपड़े पहन के आ सकते हैं यू नो लेकिन यहाँ पे तो आप वो एक्ट कर रहे हैं जिससे आप ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं ये जो फोहश किस्म का जो कंटेंट है

सिंबल्स जो है ना वो आपको दिखाना शुरू करते हैं और फिर आहिस्त आहिस्ता लोगों की कंडीशनिंग होती है कि दे आर यूज टू वॉचिंग सच इमेजेस तो अब ये किसी रक्स की फॉर्म ले ले तो वो भी ठीक है वो भी एक्सेप्टेबल है बिकॉज ये तो हम कब से देखते आ रहे हैं इवन है, uh, रिपोर्ट्स uh, भी, रिपोर्ट uh. भी हैं यूनिसेफ की टू की रिपोर्ट है इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट यूनिसेफ कह रहा है ये कोई आलिम या कोई लिबरल या कोई भी हम हमें से नहीं कह रहा कि एडवर्टीजमेंट्स में टी वी में वुमेन को यूज किया जा रहा है एज एन ऑब्जेक्ट

Hmm. और फिनलैंड में फिनलैंड यानी आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ उधर की बात करिए पाकिस्तान की बात नहीं हो रही फिफ्टी थाउजेंड रेप केसेस इन वन ईयर इन वन ईयर डब्ल्यू पी एफ वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉरम कहता है कि के रेप केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं अमेरिका में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में hmm. और इस तरह की मुख्त जगहों पर जहाँ पे अच्छा देश है कि जहाँ पे रिपोर्टिंग भी बहुत लेस होती है अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत मिनिमल रिपोर्टिंग हो रही है एंड hmm. केसेस कितने इंक्रीज अच्छा कर एक, एक, एक uh, वो कहते हैं कि देखें मार्केटिंग वही कामयाब होती जो कैची हो इसमें देखने वाला देखे तो अगर तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अगर किसी खातून को लेके आया जा रहा है प्रेजेंटेबल hmm. तो दिस इज द दॉरपोरेट स्ट्रेटजी और उन्होंने ये ब्लंटली स्टेटमेंट कही तो क्या आप सर्फ के ऐड में चाहते हैं कि मूछों वाला कोई बंदा आए बड़ी जिस, जिसकी मूछें हों hmm. तो आई I मीन mean, सुबहान अल्लाह के यानी ही ही मिली हैं hmm. कि आप उसको और हर किस्म के ऐसे भी एड्स होंगे जिसमें फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर का एड होगा hmm. अब नाव यू टेल मी कि ट्रैक्टर के ऐड में क्या कर रही है खातून hmm. हम भी करते हैं, दुनिया कर रही है। <laughs> ना ही हम खिलाफ है बाहर आके हलाल इनकम कमा सकती हैं अगर शरिया कम्प्लाइट किया जाए बात यह है कि यार वाई यू आर मेकिंग हर आई कैंडी वाई यू आर मेकिंग हर अट्रैक्शन के लिए आप देखें अक्सर यूट्यूब वीडियो पे भी जो थमने लगा होता है

बहुत सारी नए खवीन भी हैं लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है कि यहाँ पे क्या खुले आम आप करो और यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है यानी आप करें इवन जो खातन हैं कि कि दिस दिस इज इज एंड ऑफ वुमेन आप ऐसे वुमेन को एज एज सेक्स नाट्रे नहीं कर सकते कि लोग हमें आके अपना प्रोडक्ट बेचें और सबसे बड़ी बात है ये तो अगर इस्लामी तबका कहे तो इस पे सौ किस्म के हो सकते हैं अभी जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है ये को मुसलमानों की रिपोर्ट तो बिल्कुल ये तो उन्हीं गोरों की रिपोर्ट है जिन को फॉलो किया जाता है लोग कहते हैं कि देखिए अगर हम कोई एक्सेप्शनल चीज ना दिखाएं और यानी जो 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 लोगों के सामने बिकता है वो ना दिखाएं तो फिर डेली रूटीन दिखाएं तो हमारे कुछ लोग गवर्नमेंट में है ब्रो हाई पोजीशंस में है वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना देखे तो फिर बिकेगा कैसे यानी अल्लाह आपके ही वजीर आजम मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो कि हम बेचें कैसे पैसे कैसे कमाएँ और फाशी और कहते हैं अल्लाह हर शो भी फैमिली शो नहीं होता उसमें जुगतें होती हैं उसमें गालियाँ होती हैं यानि सुफहानल्ला डू यू कॉल यू सिल्फ़ अ मुस्लिम नहीं और नहीं फिर नहीं। आप ऐसी बातें करें तो इसमें वाली बात है अच्छा एक बड़ा अमेरिका का फेमस आ, सीरियल किलर है और रेपिस्ट भी है टेड बंडी के नाम से उसका एक इंटरव्यू है वो बड़ा देखने वाला है वो और यूट्यूब पे अवेलेबल है वो बेसिकली उस इंटरव्यू में ये कहता है कि मैं प्रिजन में रहा और वो उसका बड़ा एक हार्ट टू हार्ट सेशन है इंटरव्यू के साथ इज अ पर्सन हु हैज़ किल्ड मनी वुमेन आफ्टर रेपिंग दैम ठीक है और ये वो बंदा है जिसने यानी अमेरिका में तैलका मचा दिया अपनी इन हरकतों की वजह से और फिर ये जो ना प्रिजन में गया वो कहते हैं प्रेजेंट में मैंने जितना टाइम गुजारा है मैंने सारे क्रिमिनल से मेरा मुलाकात हुई है मेरी बात हुई है कहता है कोई क्रिमिनल जो वहाँ पे रेपिस्ट है जो वहाँ पे वुमेन को सेक्सुअली असोल्ट करने वाला है उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे पहले पॉन एडिक्ट था hmm. सबसे oh. पहले उसने औरतों को देखना शुरू किया उसने औरतों को ऑब्जेक्टिफिकेशन देखी मीडिया के ऊपर उसने उस मीडिया ऑब्जेक्टिफिकेशन से उसकी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई उसके बाद वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट की तरफ गया और जब उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट के एडिक्ट हो गया और उसके एक्सट्रीम पे चला गया देन इवेंचुअली ड्यू टू अदर फैक्टर्स उसमें ऐड कर दें इवेंचुअली वो सीरियल सीरियल रेपर्स बन गया एंड सो ऑन सो ये वो बंदा बता रहा है जो इस फील्ड का सबसे ज्यादा नॉलेजेबल तो वही है ना यानी हमें इन साइड स्टोरी कौन बताएगा वही बताया जिसने खुद किया और वो कह रहा है कि मैं प्रिजन में रहा हूं और मैं और वो कहता है कि अगर आप ये जो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री का जो उरूज है और ये आपको पता है कि पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री एकदम से बंदा जो है ना वो जीरो से पॉइंट पे नहीं आ जाता वो पहले आहिस्ता आहिस्ता पहले उसका हार्ट ट्रिगर तो होता है बाय लुकिंग एट सर्टन इनिशियली वो स्टार्ट होता है सॉफ्ट पॉन्ड से स्टार्ट करता है फिर हार्ड कोर एंड ही गो टू वेरी वेरी डिविएटेड एंड एक्सट्रीम केसेस में चला जाता है और फिर जो है उनमें से ये नहीं कि अब हर बंदा जो है वो जाके रेपस ही बनेगा बट हर रेपस जो है वो ये नहीं कह रहा कि एवरी पर्सन वॉच इज बिकम्स इज नॉट दैट ही से हर रेपस जो है वो पॉन्डिग रहा है ये हो नहीं सकता कि एक बंदा एकदम से उठा और जाकर उसने किसी का रेप कर दिया ऐसा नहीं वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हुआ है और उसके लिए जो हमारा मीडिया है, ये पूरा पूरा कसूरवार है कि वो समझते हैं कि हम बड़ा इनोसेंट काम कर रहे हैं लेकिन वो ये जो सेक्सुअल इमेजिंग हमारे आवाम की कर रहे हैं ना इससे जो नेगेटिव रिपोर्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा ये जो जया भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ये कहते हैं कि अगर जो बंदा कुछ कर रहा है काम तो लेट देम डू दैट तो ये हमने पहले देखना फॉर फॉर एज इज एनी अट्रैक्शन वुमेन Yes, तो आप देखें ना अल्लाह यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जूजी न लिन्ना सी शहवात के जो डिजायर्स हैं मेन के लिए नंबर यानी देयर आर यू नो देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट एंड व्हाट इज नंबर 1 मिन अल निसा उसके बाद बेटे आते हैं माल आता है घोड़े और सारे माल तो यानी इसमें कुछ अल्लाह के नबी ने इस उम्मत का जो फितना करार दिया है ना वो मर्दों के लिए वो hmm. खातन का फितना है hmm. खातन के लिए जरूरी नहीं कि मर्द का फितना उनके लिए शायद शायद अपने आप कवर ना करना हो या That's ब्यूटी right. हो या मेकअप हो या वो और हो लेकिन मर्दों के लिए और ये नेचुरली बात बारे बारे ने बारे 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 करें इस चीज के बारे में तो आपको कहते हैं कि ये टॉक्सिक है आपकी देखें एक आदमी और औरत शादी क्यों करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने रखी हैं, तो दोनों ही दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जैसे इस्लाम आपके इमोशंस को आपके फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करता ने हमारे दिल में मोहब्बत डाली है अल्लाह ने हमारे दिल में यह रखा है आपको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगी सो क्या करो चैनलाइज़ करो exactly. यानी लेकिन ये आवार ही ही कर कर जो ही बताते हैं दिखाते हैं कि दिस इज नॉर्मल कोई मसला नहीं है कि आप देखें ना फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी के लिए अब फॉर एग्जाम्पल मेरे कई लोग ये कहते हैं ना यार हर बंदे का अपना मिजाज है वो हया का फॉर अगर मेरा दिल है कि मैं यार बगैर कपड़े के जरा बाहर निकल जाओ तो क्या मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ तो नॉर्म्स होने चाहिए ना एक exactly. को, एक अच्छी क्यों नहीं आए नहीं। अगर आप इन्हीं से सवाल करेंगे ना तो ये कहेंगे पार्ट वो जो है वो कहाँ सेट किया है यहाँ पर के कपड़े पहन के चाहे वो जैसे मर्जी हो कपड़ा उन्हें आप कह सकें वो पहन के आप आ सकते हैं लेकिन बेलिबास होके नहीं आ सकते पता क्यूँ इसलिए नहीं कि अल्लाह ने मना किया है इसलिए कि लोग, लोग अभी एक्सेप्टेबल लोग दिन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो गया, गया ना मैं नहीं कह रहा ये खातन या ये, ये लोग इस तरह के लोग जो ये एजेंडा प्रमोट करते हैं वो आएंगे उस दिन बेलबाज ओके वो वो तब वो वो अभी रुके हुए हैं ना तो इसलिए रुके हुए हैं कि अल्हमद लोगों में दीन की रमक बाकी है मुझे बड़ी हैरान जिस दिन इन्होंने

ये बेसिकली इट्स इट्स अ मूवी द ओल्ड गार्ड मूवी है नेटफ्लिक्स okay. की एक uh, बड़ी uh, 2020 में रिलीज हुई है ये okay. और इसमें इसका जो स्टोरी है वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो कि इमोटल होते हैं hmm. वो शुरू से सेंचुरीज बिफोर दे आर अ लाइव और वो ऐसा ऐसा एक दूसरे मिलना शुरू करते हैं सो डिफरेंट वॉर्स ट्रैवलिंग और वो सारा और कुछ मर्द हैं कुछ खवतन हैं और वो मरते नहीं हैं ठीक है एक एक पीछे मर भी जाता है उनको शूट कर दिया जाए

I told you. Shut up. I need to know he's okay. That's sweet. What is it, your boyfriend? <laughs> <laughs> you child. You see the words? you mock. You're guy, right? Infantile. He's not my boyfriend. This man is more to me than you can dream. He's the moon when I'm lost in darkness and warmth when I Look shiver in the and, cold choice and, of and his lyrics kiss still thrills mm -hmm. me even Flips, after I words his, his heart overflows with a kindness of which this world is not worthy of. I love this man beyond Jella measure Jella and Jella reason. Jella, he's not my friend. Allah. This is a mainstream Netflix hmm. uh, movie, hmm. Hai, hmm. which our Pakistani youth watches and it is shown in it. Know, you know the first attack of this right? movie, you saw that homosexuality is an act एज एन एक्ट इट सेल्फ जिसको हम कहते हैं हाउ हाउ डिस्कस्टिंग दैट एक्ट इज बट अगर आपने एक डिस्कस्टिंग चीज को प्यारा दिखाना है, है।, है तो फिर आप वो चीज यूज करोगे जो बजाते खुद प्यारी प्यार है ना मोहब्बत है जो और जो सच्ची मोहब्बत है ना कि आप ये दिखाओ कि मतलब जिस तरह जिसने कहा ना एक्सरसाइज के बहाने आपने फांसी फिला दी अब आपको यार हमारा प्यार है हमारी मोहब्बत है वो सच्ची है तुम्हें तो पता ही नहीं हम तो मिलेनियम से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं हम तो ये जनरेशन से प्यार करते आ रहे हैं एंड आई विल डू दिस फॉर हेम एंड दैट फॉर हेम आप उसको इतना ग्लोरीफाई करो कि यू फोगेट अबाउट द एक्चुअल एक्ट ऑफ जो ना होम सेक्लोक्ट इट सेल्फ और आपकी टेंशन में जाए और आप इस तरह के अल्फाज शुगर कोट करके अब यही मैं चलिए hmm. ले, मैं लेट मी एक्सप्लेन है यहां पर ये बंदा कहता है कि एक uh, मर्द है उसकी उम्र लट से चालीस साल है hmm. और एक बच्चा है उसकी उम्र सात साल है और दोनों का आपस में रिलेशनशिप है hmm. और uh, दोनों का कंसेंट के साथ है कंसेंट के साथ है और वो जो मर्द है वो ये कह रहा है कि यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव दिस लिटिल बॉय ठीक है एंड यू हैव नो आइडिया एंड माय लव इज ट्रू एंड इट्स प्योर एंड आई हैव लव्ड हिम फ्रॉम मिलेनियम्स आप टॉयलेट करेंगे इसको नहीं करिए क्योंकि आजकल के नॉर्मल वैल्यूज में ये अग्री नहीं करती hmm. तो इन्होंने क्या किया होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल किया क्रिएट किया कि प्लानी कि हाँ, हाँ, जो आपने अल्फाजे हाँ. इससे गलत कुछ महसूस हो नहीं, नहीं रहा है बच्चे के लिए भी हो सकता है इसकी आड़ में वो बात नहीं बताई जा रही होगा देखिये जो एक्चुअल होमोसेक् सेक्सुअल एक्ट के बारे में जो रिसर्च हुई है ना बड़ी लंबी रिसर्च है और उसमें उन्होंने ये बात डिराइव की कि अगर दो लोगों को ना उन्होंने दो इमेजेस दिखाए एक इमेज दिखाया कि देर आर टू मैन हैविंग सेक्शुअल रिलेशंस और एक उनको दिखाया एक इमेज जहां पे देर आर मैगेट्स एंड वर्म्स एंड ये सब जो डिसम के कीड़े है ना वो साथ हैं तो उन्होंने कहा कि कहां पे डिस्गस्ट रिएक्शन ज्यादा है तो और ये अक्रॉस वर्ल्ड यानी डिफरेंट कंट्रीज में ये से हो है और उसमें जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर डिस्गस था वो ज्यादा था कंपेयर टू द एंड एल्स तो फितरती तौर पर पीपल आर रिपल्स बाई दिल्ल लेकिन अगर एक रिपल्सिव एक्ट को आपने प्यारा करना है तो उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे और हमारे यूथ को भी ना ये सोशल जस्टिस वॉरियर्स बनाना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देखो बात सुनो आप ना क्या आप इक्वालिटी की बात करते हो आप चाहते हो क्वालिटी होनी चाहिए हम कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए कि आप चाहते हो कि हर बंदे को राइट right होना चाहिए फॉर एग्जांपल फ्रीडम होना चाहिए हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात है फ्रीडम में क्या बुरी बात है अब इसी इन्हीं दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स की आड में वो कहते हैं देर फोर्ड यू शुड सपोर्ट होमर से

तो hmm. hmm. या कोई बंदा जो है फॉर एग्जाम्पल वो डेड बॉडीज के साथ जना करना चाहता है hmm. माफ करे जिसको हम लोग नेक्रोफीलिया uh, कहते necrophilia. हैं hmm. तो अगर कोई बंदा वो करना चाहता है अब वो भी बाहर निकलें कि जी हम किसी को नुकसान तो नहीं करें ना बिकॉज अकॉर्डिंग टू लिबरल आइडियोलॉजी आप कहते हो कि जी हार्म प्रिंसिपल इन प्ले है आप अगर किसी को एज लॉन्गेस्ट नॉट हार्मिंग एनी वन तो इट शुड भी फाइन राइट सो वॉट द हार्म इन बडी डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग जो मैंने आपको बताई है लाइक वाइज आप इस तरह की हज़ारों मिसालें दो सकते हैं क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि जब तक कंसेंट है दो लोग चाहे मर्द का हो या औरत का हो फ्रीडम हो तो हाँ फ्रीडम है यानी आप अगर एक लड़का लड़की कंसेंट से कुछ भी कर ले निकाह के दैट्स ओके okay. लड़का लड़का कर ले लड़की लड़की कर ले और वो ये भी कहते हैं कि अगर कंसेंट के साथ आप सूदी लेन देन कर रहे हैं तो कंसेंट है ना आप सूद दे रहे हैं ले रहे हैं कंसेंट के साथ आप जुआ खेल रहे हैं जुआ खेल रहा है खिला रहा है कंसेंट के साथ आप शराब पी रहे हैं पी रहे तो अगर आप कंसेंट के साथ कर लें तो देर इज नथिंग रॉन्ग दैट्स लिबरल वर्ल्ड व्यू ये उनका वर्ल्ड व्यू हमारा वर्ल्ड व्यू ये नहीं है हमारा वर्ल्ड व्यू ये है कि जहां पे जो चीज अल्लाह ने मना की है इसलिए क्योंकि अल्लाह अल्लाह कायनात का, का, का खाले को मालिक है अल्लाह इज ओनर ऑफ ऑल थिंग्स ही इज आर क्रिएटर ही टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू और अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी uh, हराम है एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट सिंस आई मीन आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ सिंस वन ऑफ द वर्स्ट और कौम लूथ पे अजाब भी सबसे वर्स्ट है तो फिर हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं जी ये एक ऐसा कॉज है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए hmm. ये अभी देखें अगर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुँ. ये दिखा करके ये वो इमोटल लो, लोग हैं जो कि बड़ी हिस्ट्री से जिंदा हैं

एड्स का नाम पुराना जो था ये गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी था क्यों क्योंकि एड्स मैक्सिमम फैलता है कि जब मर्द और दो दो मर्द आपस में यानी जो ऑर्गन्स रिलेशनशिप के लिए या इंटरग्रोस के डिजाइन नहीं है उनके लिए उनमें किया जो अल्लाह आप देखें जो मर्द औरत रिलेशनशिप है ना इट इज डिफरेंट ये नेचुरल है औरत के और जो और जो यानी जो है जेनेटेलियाज हैं जिनके थ्रू मर्द और, और करते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपलेस्ट वर्ड यूज़ करूँ बड़े स्ट्रॉग होते हैं टिश्यूज़ बड़े स्ट्रांग होते हैं मसल्स होते हैं right. लेकिन जो गेज एक्ट करते हैं वाला यादव तो आपको पता है जो बैक साइड से होता है ना अनफॉर्चुनेटली एपिथीलिया लाइनिंग होती है जिस जो ब्रेक हो जाती है जो टूट जाती है जिसकी वजह से ये जो ट्रांसमिट डिजीज़ है एड्स ये ट्रांसमिट होती है और पूरी दुनिया में फैलता है दैट साइड व्हिच यू यूज फॉर डेफिकेशन इट इज फुल ऑफ जर्म्स यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड यू नो एवरीथिंग एग्जैक्टली तो ये अल्लाह माफ करे यानी अगर मैं ये बोला क्यों ये बातें अगर लोगों को बताया जाना ये कितना बुरा एक्ट है जो कि नहीं बताया जाता है मैं, मैं पते, मैं पते क्या सोच कभी कभार देखें हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं ठीक है इट्स गुड टू व्हाट इज बिहाइंड है आपको पता होना चाहिए और लेकिन इसमें ना एक, एक प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं गुनाह हैं फॉर इंस्टेंस जहाँ पे हमारे रब ने हमारे रसूल सल्म ने रोका है हो सकता है हमारी साइंस या हमारी सेंसेस वहां तक नहीं पहुंची तो क्या हम जब तक हम लोग लॉजिकली हम लोग जब उस चीज को परसीव नहीं करेंगे जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे Medically, yeah, scientifically, तो नहीं करेंगे, तो तब क्या अल्लाह तो फिर अल्लाह जो बात है ये करना ये नहीं करना तो फिर आउज ये क्या मान्य नहीं रखते? ये तो एक बहुत बड़े मसले की तरफ आपने इससे ना एक्चुअली पता चलता है कि हम एज ए मुस्लिम पॉपुलेशन वेयर टू ईमान exactly ही शेक कर रहा है। अगर तो साइंस ने चीज प्रूव कर दी ना मैं तो समझता हूँ हमारे पे ना एक टेस्ट और फितना आ गया है कि अब हम फिर जो जो अजर ना फिर वो अजर नहीं रहा exactly. यानी असल जो कहते हैं ईमान लेके आए कि रसूल ने कहा कि ईमान लेके आओ यानी अबू बकर सिद्दीक को कहा तो बिल्कुल अगर रसूल ने कहा है तो मैं ईमान लेके आता हूँ अब देखिए ना अंबिया के बाद हालांकि शहादत और जो शहादा का रुतबा कितना बड़ा है जिहाद इस्लाम की पीक और चोटी है हुँ। लेकिन अलजिनना अनअल्लाहु मिन अन्बियिना वसिदिकिना वशहदा वसालहिन जो कैटेगराइज किया ना तो प्रायोरिटी किसको दी अम्बिया को जो कि हम अल्लाह के नबी के बाद ला नबी ठीक है अल्लाह के नबी को नबी नहीं आएगा उसके बाद सिद्दीक सबसे पहले है सिद्दीक सिर्फ वो नहीं जो जबान सच्चे हैं के सिद्कल यहाँ पे शामिल hmm. है कि मेरा दिल सच्चाई के साथ इस्लाम को टूस मानता है अभी इमेजन करें इमेजिन करें कि देखें कुरान कुरानी जब आप पढ़ते हैं ना अजवाजल मुतारा जो हमारी माएँ हैं अल्लाह तुन को जो है हुक्म दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु वसम अपनी बीवियों से कह दें कि जब कोई उनसे सवाल या बातचीत करने के लिए आए ना लेट दम यू नो कीप देर टोन अब अपनी जो अपनी आवाज जो है ना जरा यानी ऐसे लेवल पे रखें कि अगर सुनने वाला जो बंदा सवाल करने के लिए ना उसके दिल में कोई डिजायर आवाज पे आवाज पेनी पे। सिर्फ आवाज जो है इट मीन की आवाज जो यानी एक, एक खातून की आवाज होती है इट है और ये किसको दी जा रही है

अरे अपना बाप ये जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड चॉइस बाप चौस बेटी के बारे में डिसीन ले रहा हैं और बेटी खुद भी ये है तो क्या सुबह अल्लाह आप पीछे पड़ जाओ इसके कि ये कितनी अजीब सी बात है अच्छा। मैं सोचता हूँ ना वो जो साहबा का वाक था ना कि अल्लाह के मुसलम बैठे हुए थे और उनके जो पिंडियाँ थी वो एक्सपोर्स थी और कपड़ा नहीं था अबू बकर आए उमर आए तो आपने उनको नहीं ढांका रबी तमाम जब उस्मान बिन अफान आए तो आपने उनको ढांक लिया आयशा ये मंजर देख रही थी जो बाद में पूछा था कि यार रसोल्ला आपने ऐसे क्यों किया उन्हें अल्लाह तस्तही मिन रजुल यस्तही मिनमलाय का

जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ ना मुझे गुसल और जनाजा रात के वक्त करना कि ताकि मैं एक, मेरा बॉडी जो है ना एक्सपोज ना हो कि मुझे आहा, देखे आहा, ना इमेजिन करें तो आप मुझे बताएं आर वी फॉलोइंग दिस पीपल या हमारे लिए ये जो स्टार्स जो अब सो जो हमारे जो है जो टीचर उन कितनी ज़बरदस्त बात की थी स्टार्स की जो आप हम जिसको फॉलो कर रहे हैं

मौलवी का नाम मौलवी लिखा गया है लेकिन स्टार्स का नाम स्टार्स लिखा गया है क्योंकि हुँ। स्टार्स हुँ। जो है ना हमेशा से लोगों की गाइडेंस का बायस बनते रहे हैं। दो तो ऊपर होते हैं पीपल फैसिनेट चमकते हुए नजर आते हैं और लोगों की ना लाइफ की डायरेक्शन और ट्रेवल डायरेक्शन सेट करने का बनाया गया है तो इनको स्टार्स का नाम

उसकी जिंदगी में फिर उसके मुख्तेंगे फिर, फिर वो प्राँगे। जाएगा आई थिंक लास्ट वीडियो तरफ जाते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को ही बैश करते हैं ये लो आप देखिए तो फिर तो आर्ट सारा ही है फिर आप हर चीज़ ही बंद कर दें वो सोसाइटी क्या होगी जिसमें डांस नहीं होगा म्यूज़िक नहीं होगा जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं होगी जिसमें शायरी नहीं होगी जिसमें मोहब्बत नहीं होगी वो क्या सोसाइटी होगी वो तो बांध सोसाइटी होगी हमारी जो पंजाबी शादियाँ हैं या जो हमारी लोकल शादियाँ हैं उनमें क्या डांस पहले नहीं होता था और आप चीज के सही और है। डा, डा, डांस, no बात है ना। डांस और ये वो मोहब्बत देखा शुरू की दलील इस चीज को कहा कि ये तो सदियों से होती आ रही है सदियों से होती आ रही है हमारी फैमिलीज में राइट और मदीना की जो रियासत थी और जो मदीना था क्या वो सोसाइटी नहीं थी कहते हैं जिस सोसाइटी होगी ना वो कह रहे हैं डांस नहीं है नाच गाना नहीं है मुजरे नहीं है और कोठे नहीं अच्छा वो तरक्की कैसे करेगी सोसाइटी तो मदीना की जो यानी

आप में से कितने ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि आपकी बेटी जो है वो खुद जाके एक डांसर बने और शादियों पे जाके वो डांस करे और जाके अपने आप को एक्सपोज करे और वो जाके यानी मुजरे करे और ये सारे काम करे हम दूसरों की बच्चियों को देखना चाहते हैं उन पे अपनी शहवत को जो है ना वो उभारना चाहते हैं और अपने आप को जो है ना डिज़ायर्स को प्रोवोक करना चाहते हैं लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं हमारे लिए इंटरटेनमेंट है किसी और की भी वो बच्ची है किसी और की बहन बेटी है वो जिसके बारे में आप ये बात करें और जिस सोसाइटी की ये बात करें कि जिस सोसाइटी में अगर मोहब्बत नहीं होगी फिलहाल भाई मोहब्बत किसने मना किया आपको मोहब्बत तो हम कह रहे हैं आपकी हो निकाह के जरिए हो आपने अगर एंटरटेनमेंट करनी entertainment है एंटरटेनमेंट कितने सारे जरा स्पोर्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इंगेज करते थे इवन वो हबशा से लोग आए थे उनका एक एक रक्स टाइप था डांस भी था जिसमें वो एक समझे कि वॉर डांस था जो कि ने खुद सईद आयशा के साथ देखा तो हमारी सोसाइटी वो बाउंड्रीज डिफाइन करती है हमारा दीन वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है और इन्होंने वीडियो में यह भी कहा था कि जी कौन डिफाइन करेगा फाशी क्या होती है बात यह कि फाशी अल्लाह और उसके रसूल डिफाइन करेंगे Oh. Uh -huh. हमें कोई नई डेफिनेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मतलब ये एक आर्ग्यमेंट बहुत पुराना आर्ग्यमेंट हो गया है कि कहना है कि जी हाउ विल यू डिफाइन हाउलेंसी क्या होती है हाँ। हमारे पास डेफिनेशन हैं आप बर मेहरबानी को बुलाएं आप जितने भी मकत है हैं उनके को बुलाएं तो उनके, तो उनके डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं हाँ। मिलेगा आपको वो ये नहीं बात है कि जी क्योंकि एक ले पर्सन है जिसको इस्लाम का नहीं पता हो सकता है उसकी डेफिनेशन कुछ और हो लेकिन जो उलमा है जो हमारे आय कराम है जितने भी लोग हैं उनको इस बात का आइडिया है कि फाशी क्या है क्योंकि अल्लाह ताला की किताब मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी मौजूद है और

कि, hmm. hmm. कि नहीं नहीं hmm. हाँ. इज hmm. you know? बस मैं समझता हूँ असल में है क्या देखिए हमने भी दौरे जहली में एक एक्सपीरियंस किया है जिस गुनाह को छोड़ने का दिल ना चाह रहा हो ना और बार बार इंसान क्विट कर रहा हो हाँ. यार ये मुझसे गुनाह छूट ही नहीं सकता उसके बारे में अगर इंसान गिव अप कर देना तो एक तो स्टेज आती है कि इंसान करे। शुरू में क्या होता है इंसान को hmm, है। है इंसान को गिल्ट हो रहा होता है अल्टीमेटली जब वो वीक होता है ना उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती hmm. तो अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब वो कहता है जस्टिफाई करता है यार आई विल नॉट बी गिव लेट इन अब मैं हार्ट या फिर खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये होता है कि आपको कोई ऐसे स्कॉलर मिल जाती है हलाल, जो हलाल, जो हलाल, जो हलाल कर देते है। हैं और आप है। है। कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज जो कहते हैं कि म्यूजिक भी हलाल है खवातीन <laughs> को टच करना भी हलाल है सूद भी हलाल है ठीक है you know, और फिर तीसरा स्टेप आई थिंक ये आता है जब इंसान ना कहता यार व्हाई आई एम फीलिंग गिल्टी आई वाज मेड इंडिपेंडेंट किसने देखी हुँ, और हुँ, फिर इंसान अपने लिए जस्टिफिकेशन लेके आता है इस को खत्म करे जो कि अल्लाह ताला ने अलाम रखा है ये वाला दिल जो होता है ना ये फिर गुमराह की तरफ चला जाता है लेकिन जाता वो जो पहले वाला जो कोशिश कर रहा था ना बेचारा दिल अल्लाह उसको हिदायत दे देता है क्योंकि जब तक आपके दिल नदामत महसूस करता रहेगा ना हाँ। तो समझे कि तोबा के दरवाजे खुले हैं। खुले क्योंकि देखिए जब तक आपको कोई चीज़ इरीटेट कर रही है ठीक है बिकॉज द दोफेसर इवन सर के रॉन्ग एक्शन इट द हार्ट ठीक है और वो वो काम होता है जो आप चाहते हो कि दूसरों को ना पता चले मेरे बारे में ठीक है तो अगर एक चीज़ आपको इरीटेट कर रही है इसका मतलब अभी आपके अंदर ईमान है nice अभी आपको एक चीज़ पर मतलब मैं कहता हूँ इवन द वर्स्ट सिनर बदतरीन गुनागार है ना अगर उसको ये पता है ना कि मैं गुनाह कर रहा हूँ तो लाला ये बच सकता है सो so, कत्ल करने वाला ठीक क्यों है ना क्योंकि लेकिन अगर आपके अंदर से आपका कहते हैं ना जमीर ही मर जाए आप अपने नफ्स लवामा को ही मार दें आप अपनी फितरत को ही डीएक्टिवेट कर दें इसका मतलब है कि अब आपकी फितरत जो है ना ये एक एबिलिटी होती है फितरत इज बेसिकली एन एबिलिटी टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग क्या आपको पता है कि यार कत्ल करना गलत है और कभी कभार होता है ये आपकी एबिलिटी जिस तरह आईसाइट है ना वीक हो जाती है कानों के सुनने की समात आपकी वीक हो जाती है आपको बोलने की सलाहियत वीक हो जाती है या कोई और कोई लेकिन तो इसी तरह से आपकी फितरत भी जो है ना इट्स

बिलीव मी दिस पर्सन इज डाउन अ पैथ ऑफ डिस्ट्रक्शन क्योंकि अब जो है ना वो गुनाओं के लिए ऐसे आ रहा है जैसे एक बंदा डाउन हिल गाड़ी चला रहा है ना बगैर ब्रेकों के, के। हाँ। समझे कि बस वो अब डाउन हिल जा रहा है और वो बस वो उतरता ही चला जा रहा है सही बात बट अल्लाह ये जो दीन है इसमें दर इज़ स्ट्रगल रिक्वायर्ड यू हैव टू वर्क हार्ड जाहिर सी बात है एक डिज़ायर है एक टेम्टेसन है अल्लाह ताला हमें यही कहते हैं कि आप अपने खाफा मकाम ही जो भी अल्लाह ताला के सामने पेश होने से डरेगा जो अपने नफ्स को काबू करेगा असल में तो जन्नत उसके लिए तो ये नहीं है कि जन्नत विल बी यू नो अ वॉक इन द पार्क जन्नत इज़ नॉट डाउन हिल जन्नत के लिए यूल हैव टू स्ट्रगल आपको एक चीज़ बहुत डिजायर भी आप करते हो आपको चीज़ बहुत पसंद भी है लेकिन आप कहते हो यू नो वॉट अल्लाह ताला की मोहब्बत में मैं नहीं करूँगा ये जब आपका माइंड सेट होगा फिर आप कुछ भी कर लोगे अल्लाह के लिए ये जो इन्होंने hmm. बातें कि ये सारी की सारी बातें मुझे लगता है कि एक ऐसे शख्स की तरफ से आ रही हैं या ऐसी सोच की तरफ से आ रही हैं जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है hmm. बिल्कुल मुझे वो वाली वाइब आ रही है बिकॉज यू नो इवन अ लिटिल बेट ऑफ कुरान जो आपने शायद बचपन में कारी साहब से पढ़ा हो या जुम्मे के दरूस में ही आपने खुतबात में शायद कोई आपके कानों में अल्फाज पड़े हों ऐसा शख्स जो हो जिसके पास ये सारा एक्सपीरियंस हो कम अज कम ये इस परस्पेक्टिव सेकुलर थॉट जो जो थॉट है ना उसकी हाँ। ये अली मिसाल है क्योंकि सेकुलरिज्म क्या है सेकुलरिज्म यह कहता है कि हमें अपने मामला को चलाने के लिए अपनी गवर्नेंस को चलाने के लिए अपने लॉज को बनाने के लिए मजहब से रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं सो वी विल डिसाइड आर सेल्व वट इज़ गुड एंड वट इज़ बैड हम मजहब से नहीं पूछेंगे तो जाहिर बात अगर आपने मजहब से पूछा होता तो वो आपको पहले ही बता देते कि ये नाच गाना सही नहीं है आपको पहले ही बता देते कि ये फाशी है आपको पहले ही बता देते कि ये इस तरह का ताल्लुक हलाल है और ये हराम है ये सारी चीज़ें आपको मजहब बता देता लेकिन सेकुलर थाट का मेन क्रक्स ये है कि हमने मजहब देखो वो ये कहते हैं कि जिसने मजहब फॉलो करना है ना वो अपने घर में करे जाके hmm. आपने अल्लाह को आ, की इबादत करनी है आपने कृष्णा की करनी है hmm. आपने हनुमान को पूजना है आपने एथियस्ट होना है वो आपकी मर्जी है आपने बुद्धा की करनी है वी डोंट फ्रेंकली केयर व्हाट यू डू इन योर हाउस दिस इज सेकुलरिज्म सेस आप अपने घर में जो करना चाहते हैं हम प्लुरलिज्म hmm. में बिलीव करते हैं आप जो मर्जी करें लेकिन जो कानून साजी होगी hmm. जो लॉज बनेंगे हाँ। उसमें किसी का दीन शामिल नहीं होगा आपको लगता नहीं है, मतलब है।, मतलब, uh, like you know? है देखिए मैं तो ये कहूंगा ना कि जो बंदा भी <laughs> मैं हकूमते वक्त भी गुजारिश करूंगा हाँ। कि बरा मेहरबानी जो बंदा भी कोई पॉलिसी बना ले जो बंदा भी टीवी पर अपना ओपिनियन देने आए ना पहले वो ये क्लैरिफाई कर दे कि वो

दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ दिस इज हाउ यू शूड डू तो मैं से पूछूंगा भाई आप तो नॉन मुस्लिम है मैं तो मुसलमान हूं मैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए चल रहा माइंड दैट कटेट नहीं आई क्योंकि वो अगर मुझे एडवाइस कर रहा है तो मैं कहूँगा आप मुझे साइंस के बारे में बात कर लेते हाँ। हैं हम केमिस्ट्री की बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं उसमें कोई हमारा मजहब शामिल उस तरह से नहीं हो रहा हम आपसे एक, एक डिफरेंट लेवल पर बात करें लेकिन अगर आप मुझे मेरा वे ऑफ लाइफ बता रहे हैं कि ये करना मेरी बच्ची के लिए ठीक है और ये करना उसके लिए गलत है तो बरए मेहरबानी आपसे तो मैं एडवाइस नहीं ले रहा इस, इस मामले में ये तो मेरे मेरे दीन का मामला भी है मेरा दीन इसमें ऑलरेडी रदमाई रह फरमा रहा है वो अगर मुझे कहता है यार आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आप ऐसे करें ये बैंक से इंटरेस्ट ले लें फ़िलाह कर उनको सॉरी यार ये मैं नहीं मान सकता बिकॉज मैं अपने दीन को फॉलो करूँगा हो यह राय हमारे माशरे में कि ऐसे लोग क्रिएट हो चुके हैं लोग भी हैं इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कि कभी भी आउट राइट -right यह नहीं कहेंगे कि हम गैर मुस्लिम हैं या हम लोग जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन हैं या कोई ऐसी बात है बट एडवाइस जो वो आपको दे रहे होंगे वो सारी एडवाइस ऐसी होगी जो इस्लाम के एक एक यानी बुनियादी उसूलों से टकरा रही होगी सो आई वुड से टू के प्लीज अपने आंखें और कान खोल के रखा करें डोंट लुक एट हु इज इट लुक एट वॉट इज बिंग सेड इफ वॉट इज बिंग सेड कॉन्ट्रोडिक्स विद द बुक ऑफ अल्लाह इन दन ऑफ द प्रोफिट थ्रो इट अगेंस्ट द वॉल ना उस एडवाइस को दीवार पे दे मारे और अगर वो क्योंकि वो फिर आपका खैर नहीं है वो फिर आपके आपकी आखिरत का भी खैर नहीं है और आपकी दुनिया का भी खैर नहीं है अगर आप वाकई में किसी से एडवाइस ले रहे हैं ये देख लें कि जो इसने बात की है क्या ये बात शरिया कंप्लाइंट है क्या ये बात ऐसी है जो कि आज अगर नबी करीम सुन लेते तो क्या ये बात एक्सेप्ट करते वो यानी मेरे लिए तो तो लिटमस है मैं तो ये हर हाल में समझता हूँ अगर ये जो बात नबी सुन लेते सलम, तो उस पर क्या लेते? ये क्या रिएक्शन देते इन लोगों में हिम्मत होती के 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 है, है जिसके अंदर जो है ना वो डांस तो नहीं लगा रहे कि वो इस्लाम में है या काफ़िर है या क्या है हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन डिफ़ाइन कर लें आप और जो साहब हैं हम ये नहीं कह रहे कि इनका यानी इन पे कोई वो कह रहे हैं हकूमत में है और सारा वही ऑल दो जो इमरान खान का जो नारा ना मजीदा की रियासत वी सपोर्ट दैट नारा अल्लाह करे उस पर अमल भी करें और सब काम करें और आई होप कर रहे होंगे लेकिन द पॉइंट इज़ ये जो वर्ड्स हैं ना ये बड़े पॉइजनस हैं ये बिल्कुल में तबाह करने वाले और ये मल्टीपल लोगों की बात है ना कि ये जरूरी नहीं कि इन्हीं की होगी तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें ये नैरेटिव है इसका और सुना सर ने सुनाया था कि वह हदीस है इन अल हयाए वल ईमान कुरना जमीहन हया और ईमान जो है ना वो आपस में इकट्ठे-इकट्ठे हैं فاذا رفعه احدهما رفع الاخر जब एक चला जाता है ना हया अगर चली जाए फिर ईमान भी चला जाता है अगर ईमान चला जाए फिर इंसान में हया भी रहती। नहीं रहती यानी इनमें से अगर दोनों हैं तो हैं वरना एक भी चला जाता है दूसरा भी गायब हो जाता है और सुबह अल्लाह के मीन ने फरमाया था यानी दीन के बारे में इन न लिकुल दीन खुलक व खुलक उस्लाम हर दीन का एक ना करेक्टर है एक खुलक है इस्लाम का जो है ना वो हया है तो जो लोग मुझरे और डांस और म्यूज़िक और इस तरह के सब कुछ यानी बुरे एड्स जिसमें ख़ोतान को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है मैं तो समझता हूँ कि खातन को अभी खड़े होने की ज़रूरत है कि आप क्यों हमारे जेंडर के ख़िलाफ़ एक पूरे एजेंडा के साथ हमला कर रहे हैं और वी आर यू आर मेकिंग एस ऑब्जेक्ट्स तो खड़ा होना चाहिए और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पावरफुल खुत जो तीस पैंतीस हैं जैसे भी कहते हैं वो यानी वोकल है आई वुडंट से पावरफुल ये असल में मीडिया मीडिया, हाँ, मीडिया को उठा देता है दे तो। exactly. जिसको उठा दें आप 2% को exactly. उठा के 100% बना लेंगे और वो ये पोर्ट्रे करना के तमाम हाँ, कि तमाम खवती का ये नैरेटिव है हालांकि बिल्कुल भी नहीं है हम हजारों यूथ से और हजारों माओं से और बहनों से मिलते हैं इन यूनिवर्सिटीज ऐसे ऐसे इधारे जहाँ पे यानी कुछ सोच भी नहीं सकता हम जा सकते yeah. हैं yeah. वहाँ जाते हैं अहमद लमान और उनके आंखों में आंसू देखते हैं और yeah. उनके आंखों में ये देखते हैं कि दे टू चेंज बट ये जो फील दी किस्टमेटिक है ना ये डिसेंसिटाइजेशन है इतनी yeah. ज्यादा की गई है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल झूठ हजार दफ़ा बोला जाए ना तो इंसान को सच लगता है yeah. अब हुआ ये हमारे साथ ये है कि हमें हमने बुरा फील्ड इतनी दफ़ा देखा है कि अब वो बुरा लगता नहीं है अल्टीमेटली इंसान डिसेंसिटाइज हो जाता है जैसे इंसान वॉशरूम में जाए ना या पब्लिक टॉयलेट में जाए तो अचानक से बू महसूस करता है लेकिन वहाँ पे पाँच मिनट या दस मिनट गुजारे है हाजत के लिए तो वो बू खत्म हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती वो इंसान का डिस हो जाता है इसकी स्पेलिंग सेंस है इसी तरह से बेहयाई बेहयाई है चाहे सब कोई करे और नेकी नेकी है चाहे कोई ना करे ये डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती कहूँगा कि फाइनली के मतलब हमें अपनी वुमेन को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको यही जो हमारा दीन कहता है कि औरत की इज़्ज़त है ठीक है औरत को ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए औरत को सिर्फ ये ना समझा जाए कि इसको इसकी शक्ल और इसका जिसम जो है उसको एक पॉइंट ऑफ अटेंशन बनाया जाए बल्कि औरत की जो पर्सनालिटी है उसके जो करेक्टरस्टिक्स हैं उनको अप्रीशिएट किया जाए उनको यानी और माशरे में यही फिज़ा बताई जाए यही इन्वामेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे वेमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर हु दे आर नॉट एज़ ऑबजेक्ट एंड पीसिस ऑफ मीट दैट इज फ्लैश अराउंड फॉर पीपल टू सी नॉट फॉर दैट परपज हमारी यानी एक शेख अखरम नदवी की जो है ना किताब है फोर्टी वॉल्यूम्स पे अलमुहदसाद के नाम से इन विच ही टॉक्स अबाउट फोर्टी वाली अबाउट वेमेट

माँ का एक रोल है जिसको हमारा इस्लाम कहता है कि तीन जो हैं तीन दफ़ा जो हमारे उसने अखलाक का मस्त कौन है माँ है ठीक है औरत एक वाइफ भी है हमारे नबीलम कहते हैं कि इवन इफ यू पुट अ मोर्सल इन योर वाइफ्स माउथ आपको नेकी मिलेगी सुबह दिन इस चीज़ की तरफ तरकीब देता है वो एक बेटी भी है और नबी करीम जब हज़रत फातमा you know, खड़े होते थे एक अदब से उनके यू नो ही अपनी जगह पर बैठाते थे और ये रिस्पेक्ट है जो इस्लाम देता है तो ये है कि हमें खुदारा देखना चाहिए कि हमारा दीन कहता क्या है हमें अपने ना जो डेफिनेशन है ना वो डिफ़ाइन करनी कि अगर हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि वॉट डज मुस्लिम लिटरली मीन्स तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो मर्ज़ी कहूँ कि फ़लाँ मौलवी साहब में फॉर इंस्टेंस अगर वो मैच नहीं ना कर रहा अल्लाह से रसूल से हमारे दीन से कुरान से नहीं। नहीं। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि 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 अल्लाह अल्लाह ताला ताला के के यानी ही हिमसेल्फ परफेक्ट तो हाउ इट पॉसिबल उसका दीन होगा कि उसने के लिए को उनके राइट्स नहीं दिए ये हमारी कमजोरी है ये शैतान का एक वार है जो शयातीन से भी हैं हैं में से भी, जिन, में से भी तो अली Uh, मुझे मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है कि इस्लाम और दुनिया को ना हम अलग अलग ना करें hmm. इस्लाम और एंटरटेनमेंट को या इस्लाम को ना हम अपनी दुनिया का एक पार्ट ना समझें बल्कि ये दुनिया और एग्जिस्टेंस जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दिस बिग कॉन्सैप्ट या रिलीजन hmm. इस्लाम hmm. और इस्लाम जो है वो ये पार्ट टाइम कोई चीज़ नहीं है इस्लाम को दीन कहा जाता है वाट इज़ दीन इफ़ यू ब्रेक इट डाउन दीन इज़ योर लाइफ स्टाइल ये नहीं है कि दीन आपके मस्जिद में है और कारोबार में मिसाल के तौर पर है और बाकी लाइफ के डोमेन्स में नहीं है इट्स नॉट लाइक दैट इट एवरीवेयर और उसी की बाउंड्रीज में चले चलेट डॉब इन मैं कहूँगा कि हमारा जो जो शुरू में हमने बात की थी कि हमारा जो लेंस है ना हमें ये आदत बनानी है कि हमारा लेंस जो है वो हमेशा इस्लामिक लेंस हो हर मामले को जिंदगी दिन, का को कोई मामला आपका हो आपकी एजुकेशन है आपका मीडिया है आपके एंटरटेनमेंट है आपकी फिटनेस है कुछ भी है आपने उसको देखना इस्लामिक लेंस के थ्रू ही है आपने ये देखना है कि मैंने कोई भी काम करना है जिंदगी में मैंने कुछ खाना खाना है मैं उसको इस्लामिक लेंस में देखूँ कि भाई ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए नहीं। आ, जिस तरह हम बात करते हैं कि जी खंजीर का गोश्त है मेडिकल साइंस कल ये भी कहते हैं ना कि जी खजीर आपकी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है हम फिर भी नहीं खाएंगे क्यों क्योंकि हम उस खंजीर को इस्लामिक लेंस से ही देखेंगे कि खंजीर अगर अल्लाह ने मना किया है चाहे मेडिकल साइंस कुछ और कह भी दे हो सकता है कल कोई अपनी बात खुद बदल दें मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं मे, मेरी जब बेटी पैदा हुई तो आ, मुझे ना डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ना वो मुझे बड़ा सख्ती से मना किया उन्होंने कहा ख़बरदार आपने इनको गुट्टी वो कोई खजूर खिलाने की कोशिश की या शायद चटाने की कोशिश की प्लीज ना कीजिएगा बच्चे कॉलेज पता नहीं क्या खांसी हो जाती है मर जाते हैं फिला हो जाते हैं मैंने कहा जजाक खैर बहुत शुक्रिया आपका तो मैंने सारे ला दिए ठीक है उसके बाद जब बेटी मेरी पैदा हुई मैंने फ़ौरन से ना उसको इस तरह वो जो है ना खजूर बिल्कुल मैश करके ना इस तरह वो करके वो मैंने हल्का सा इसको पीस उसको जो है ना चटा दिया ठीक है और अलहमदुल्ला एवरी थिंग फाइन Now, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था लिटरली कुछ महीने पहले वैसे तो उस टाइम पे भी एक बात आई थी अभी रिसेंटली कुछ छह महीने पहले एक रिपोर्ट आई कि डॉक्टर्स आर नाउ सजेस्टिंग <laughs> कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन अ शुगरी जेल लाइक सब्सटेंस अपॉन बर्थ

सामस्ति आगे सामस्ति आगे आगे so आपके जब तक आपके पास वो इस्लामिक लेंस नहीं होगा ना आपको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आ सकता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे कोई भी काम करते हो आप ये देखें चाहे वो मीडिया है कुछ भी आप कहते हो इफ इफ दैट इज समथिंग दैट अल्लाह एंड द हैव आई विल डू इट अगर कोई चीज मना की हुई है सिंपली मैं उसे रुक जाऊंगा मैं ज़्यादा आए बाएं शायद नहीं करूंगा सो so, yeah. ये अपने दिमाग को प्रैक्टिस में लेके आए कि हर चीज में इस्लाम लेके आए ये जो लिबरल तबका ने कहता है हर बात में आप इस्लाम ले आते हैं हर बात में भाई हम लाते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं <laughs> या मैं अगर काफिर होता तो मैं ना लाता मैं क्यों ना लेके हूं इस्लाम <laughs> इस्लाम <laughs> मेरी आइडेंटिटी नहीं है मैं पहले मुसलमान हूं फिर इंसान हूं मैं अपने आप को इंसान बाद में कहता हूं पहले मुसलमान कहता हूं राइट तो मैं तो लोग कहते हैं जी पहले आप इंसान हैं नहीं सबसे पहले मैं अल्लाह का बंदा हूं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूं अल्लाह ताला मुझे अगर पहाड़ बना देता

आप क्यों हर चीज़ में गोरे चमड़ी को लेके आते हैं आपकी उस माइंडसेट को लेके आते हैं ले है। हर चीज़ में और हर चीज़ जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा टॉक्सिक बनाता है सोसाइटी को एंड आई वुड लाइक टू से देखें यू आर वॉट यू सी हमारे सल हिन्फ़ल्बिनारक रहा कहा करते थे कि इंसान की तबाही या फलाह के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं अगर वो नेक लोगों के साथ बैठ रहा है और वो अच्छी चीज़ देख रहा है वो उसकी फलाह का बायस बन जाएगा और अगर वो बुरे लोगों के साथ बैठ रहा है या बुरी चीज़ें देख रहा है उसकी तबाही का दिल की तबाही का बायस बन जाएगी सो यू आर वॉट यू सी डोंट जिस रैंडमली वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स एंड थिंक कि मेरे दिल पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा नहीं बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आजकल यूट्यूब पर ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने जेंडर का नहीं मगर नहीं पता मगर हमें हमने मुल्क हमारे मुल्क को और मुसलमानों को शनाख्त का बता रहे हैं जिनको अपने बाप का नहीं पता वो हमारे मुल्क को हमारे बाप का बता रहे हैं ठीक है ना सुल्हान ला ठीक है ना तो ऐसे लोग हैं जो कि दे आर वेरी एलिक्वेंट इन स्पीच क्या कुफार नहीं थे क्या अबू जहल जो कि अबूकम दस का नाम था वो नहीं थे थे तो एलिक्वेंसी इन स्पीच या थोड़ा सा नॉलेज हो जाना या डॉक्टर बन जाना इज़ नॉट अ साइन कि आपको हर चीज़ आ गई है सो फिल्टर आउट वाकई में आपकी दुनिया और आखिर के लिए बेहतर किया है hmm. ऐसे भी लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पर फिल्थ फैला फैला रहे हैं ठीक है और वो जस्ट शुरू में आपको बड़ा वेग ऑकवर्ड लगेगा अजीब सा लगेगा ऑकवर्ड लगेगा बट वेन यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द स्टाफ अल्टीमेटली यूल इन्जॉय एंड यू विल लाफ एंड यू विल हैव फन तब आपको दिल जाएगा देखें सो द पॉइंट इज़ इन चीज़ों से बचें क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसे फिजा शिजा जैसे हमने बात की और ये जो हमने बात की कि शादी हो गई वो खातून प्रेगनेंट हो गई और पता चला वो रज़ाई बहन भाई थे ये ड्रामा हमें शो कर रहे हैं या अल्लाह यानी अजीब कॉन्सेप्ट है आपने नेकी फैलानी है आप खैर काम दिखाएँ आप अल्लाह के नबी की अदीस को फैलाएं और आप सोशल मैसेजेस जो हम क्लब जैसे करता था वो फैलाएं लेकिन बुराई को एडवर्टाइज़ करके समझाना कि ये जो है ना ये गुनाहों से रोकेगा या ये जो चीज़ है ना ये फोन प्लीजी वो वो जो चीज़ <laughs> कर, ख़त्म करेगा हाँ। कभी ऐसा नहीं होता सो आप अपने स्टार्स को पहचान है कि आयशा कम स्टार थी